नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज, देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। आज वार्ड 74 श्याम नगर मुख्य मार्ग जो कि पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, जिसमें 12 दिसंबर की शाम एक हादसा हुआ जिसमें एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मृत्यु हो गई, जिससे लोगों में काफ़ी आक्रोश है, जिसके कारण जनता क्षेत्रीय पार्षद के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई। और इसी को लेकर आज मृत आत्मा की शांति के लिए क्षेत्रीय पार्षद राजीव सोतिया के सहयोग में आकर विधायक सोहेल अंसारी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा कि वह भी शासन प्रशासन से इस सड़क के लिए कई बार वार्तालाप कर चुके हैं, पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। अब अगर ये सड़क नहीं बनती है तो इसके लिए धरना चलता रहेगा। देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। मार्ग को सही करो, सही करो, सही करो। अरे नगर निगम, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम लोग एक साल से कंटिन्यू हम लोग इस रोड की बात कर रहे हैं। ये 150 फीट चौड़ी सड़क है। यहाँ एक FCI का गोडाउन है जो बहुत पुराना है। यहाँ से ये रोड जो है रामा देवी को भी जाती है, ये रोड KC मोड़ को भी जाती है, ये रोड लाल बंगले को भी जाती है, ये रोड NH1 को भी जाती है। एक साल से कंटिन्यू हम लोग बात करें, नगर आयुक्त से भी कहते हैं, महापौर से भी मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन 12 तारीख को एक ऐसा हादसा हुआ जो एक मासूम 2.5 साल का बच्चा जो अपने वालिद साहब की गोद में जा रहा था, पीछे से ट्रक वाले ने टक्कर मारी, उसकी इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हो गया तो यहाँ रोड में पब्लिक ने जाम लगा दिया था। फिर हमारे अधिकारियों से ऊपर बात हुई, बात होने के बाद उन्होंने कहा कि आप इसकी बॉडी आप उनके वालिदान को दे दो, और देने के बाद हम 2 दिन में इस रोड का बिल्कुल सही संज्ञान लेके इस रोड को बनाने का काम करेंगे, आइंदा से ये एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन आज हालात ये हैं, हम लोग को मजबूरी में ये धरना प्रदर्शन इसलिए करना पड़ रहा है, ये अनिश्चितकालीन के लिए धरना, जब तक कि ये रोड नहीं बन जाती। यहाँ के जो वासी हैं वो इतने त्रस्त हैं, पहले लोगों का हाथ पैर टूटता था, अब लोगों की जाने जाने लगी है। इसलिए हम बहुत ही मिन्नतें की, मैंने महापौर से भी, मैंने नगर आयुक्त से भी की, आज देख सकते हो कोई सुनवाई करने वाला नहीं। ये ऐसी निकम्मी सरकार है, अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, अधिकारियों के ये हालात हैं कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। और सिर्फ सरकार कहती है कि महापौर कहती है कि 3 साल बेमिसाल। आप देख सकते हो कानपुर के क्या हालात हैं, कानपुर कितने गड्ढे में, कानपुर में क्या समस्या है, कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसलिए विधायक जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने महापौर से कहा, नगर आयुक्त से कहा, उनका जवाब क्या आता है आपके पास? उनका जवाब यही आता है, हाँ इसको करवा देंगे, शासन में गई हुई, लेकिन शासन में गई नहीं है ना कहीं गई है, सिर्फ ये एक धोखा देने का काम करते हैं। ये धोखा हमें नहीं दे रहे हैं, ये धोखा पूरे हमारे जितने भी यहाँ के जनता है, श्याम नगर की जनता, उनको धोखा देने का काम कर रहे हैं। ये लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे। जैसे सभी को मालूम है कि ये सड़क जो है कई वर्षों से नहीं बन रही है, उसके लिए आप जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश आपकी जो है नाकाम होती दिखी, तो आपने अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पे देने का कार्य किया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पिछले एक वर्षों से नमामि गंगा जो भ्रष्टाचार गंगे बन चुका है, जब ये नमामि गंगे के द्वारा ये रोड खोदी जा रही थी, तब मैंने उसको रुकवाने का भी कार्य करा था, क्योंकि श्याम नगर पहले से सीवर लाइन लग चुकी, मगर इन्होंने बताया कि ये सुजातगंज के लाइन यहाँ से ज्वाइंट होगी, तो हमने इसको कटने का रुका। उस समय 65 लाख की इन्होंने बैंक गारंटी हमको दिखाई कि मैंने नगर निगम को दी है। बाद में मुझे संज्ञान में आया कि वो फर्जी बैंक गारंटी लगाई गई, ना उसको सरकार जब्त कर सकती नगर निगम, मतलब जो जियो के माध्यम से जो नकली FDR लग रही है, नकली बैंक गारंटी लग रही है, इसके आधार पे मतलब भ्रष्टाचार का पूरा खेल चल रहा है। लगातार एक वर्षों से कभी महिलाओं के द्वारा गड्ढों को भरवाया जा रहा है, कभी सब यात्रा निकाल के इसको करा जा रहा है। एक बार माननीय विधायक जी, हम लोग ने खुद श्रमदान करते हुए इस गड्ढों को भराने का काम करा, मगर ये अनसुना कर जा रहे हैं कि हम लोग विपक्ष के पार्षद होने के कारण या विपक्ष का विधायक होने के कारण इन लोग इस रोड पे ध्यान नहीं दे रही। ये मुख्य मार्ग ये एयरपोर्ट तक जाता है और लगभग 60-70 हज़ार आदमी इस मार्ग से निकलता है, मगर आए दिन कभी फौज के अकादमी के भी, 2 महीना पहले सरस्वती स्कूल के पास एक्सीडेंट में मौत हो गई, अब कल उस दिन तो 12 तारीख को ऐसी घटना हुई कि माँ की गोद से बच्चा गिर के मतलब बेलगाम अब अपने लोगों की बच्चों की सुरक्षा कर रहे हैं। इसलिए हमको मजबूरन इस अनिश्चितकालीन धरने में बैठना पड़ा, क्योंकि अब हमको अपने श्याम नगर वासियों की जान की ही दिक्कत आ गई, इसलिए ये हमने।
आप कल से लेके अभी तक यहाँ पे बैठे हैं अनिश्चितकालीन धरने को लेके, अभी तक आपसे शासन प्रशासन के कौन कौन से लोग मिलने आए और आपको क्या संतावना दी? परसों रात से ही पुलिस फोर्स हमारे घर के बाहर खड़ी थी। हमने कहा मैंने एसएम सेकंड से इसकी परमिशन ली थी कि हम लॉकडाउन का पालन करते हुए कुछ शांति ढंग से इस प्रदर्शन को। अगले दिन सुबह भी बहुत परेशान करा गया, 2 बजे माननीय एसएम 2 यहाँ पे आए, उनको मैंने ज्ञापन दिया, वो भी इसकी किसी भी तरह इसको दमन करने की नीति पे। मगर हमने कहा कि हमारे क्षेत्रवासी सहयोग से वो इस चीज़ को दमन नहीं करें, हम शांतपूर्ण ढंग से जो लोकतांत्रिक अधिकार हमको हमारे लोकतंत्र ने दिए हैं, हमारे संविधान ने दिए हैं, उसी अनुरूप हम ये काम कर रहे हैं। मगर हमको लग रहा है कि इनकी कानों में जू नहीं लग रहा कि हमको संविधान से हटकर भी काम करना पड़ेगा अपनी जनता के लिए, मुझको जेल भी जाना पड़ेगा। मगर लोगों की ज़िंदगी से बड़ी जेल नहीं है, इसलिए हम लोगों ने ये सोचा है कि कल FCI का जो गोदाम है, यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा गोदाम है, वहाँ पे आने वाले ट्रकों को जो पूरे शहर को फूड सप्लाई करते हैं राशनिंग के माध्यम से, उनका चक्का जाम करते हैं कि पूरे शहर में फूड सप्लाई को हम लोग रोक देंगे। YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें।